गांधी जी स्वतंत्रता की लड़ाई अहिंसा के माध्यम से लड़ना चाहते थे। नमक कानून तोड़ने का आंदोलन भी गांधी जी अहिंसात्मक ही चलाना चाहते थे। ये एक ऐसा प्रयोग था जिस पर सारी दुनिया की आंखें लगी थी, परंतु उस समय देश में क्रांतिकारी दल अनेक हिंसात्मक कार्रवाइयां कर रहा था। गांधी जी ने वायसराय को पत्र लिखकर सूचना भी दे दी थी कि वो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए प्रस्थान करेंगे, लेकिन वायसराय ने उन्हें सीधा साधा उत्तर दे दिया कि आप कानून हाथ में न लें, नमक कानून भंग होने से अशांति और अव्यवस्था फैल जाएगी और तब सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम में देशी तथा विदेशी अखबारों के संवाददाता पहुंच चुके थे। गांधी जी ने उन्हें बताया कि यह यात्रा पैदल होगी, इससे वो जन जन तक पहुंच सकेंगे। जनता जान सकेगी कि अहिंसा की ताकत क्या है, निहत्था इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता अगर उसे अपनी आत्मा की शक्ति पर भरोसा हो। ऐतिहासिक दांडी यात्रा के लिए गांधी जी के साथ 79 सत्याग्रही तैयार थे। गांधी जी ने एक अधो वस्त्र पहना था और कंधों पर ऊपरी वस्त्र डाले हुए थे। उनके पीछे दो दो की पंक्ति में सत्याग्रही खड़े थे। आश्रमवासियों ने पदयात्रा शुरू होने से पहले सबकी आरती उतारी और उपस्थित जनसमूह ने उनका हार्दिक अभिनंदन किया। दांडी यात्रा आरंभ करने से पूर्व गांधी जी ने उपस्थित लोगों के सामने एक छोटा सा किंतु महत्वपूर्ण भाषण दिया। उन्होंने कहा, यदि स्वराज न मिला तो या तो रास्ते में मैं मर जाऊंगा या आश्रम के बाहर रहूंगा। यदि नमक कर न उठा सका तो आश्रम लौटने का भी इरादा नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक वो दांडी न पहुंच जाए तब तक सत्याग्रह शुरू न किया जाए। साबरमती आश्रम से दांडी के लिए जब ये जुलूस चला तो चारों ओर जय जयकार से आकाश गूंज उठा। अहमदाबाद में इतना बड़ा जुलूस पहले कभी नहीं निकला था। सारा नगर इसमें शामिल हो गया था। जुलूस 2 मील लंबा था। जो सड़कों पर खड़े होने की जगह नहीं पा सके थे वो पेड़ों पर, घरों की छतों पर चढ़ गए थे। 24 दिन तक लगातार ये पद यात्रा चलती रही। रास्ते में जितने भी पड़ाव आए वहां गांधी जी ने भाषण दिए। उनका भाषण सुनने के लिए हजारों की भीड़ एकत्र हो जाती थी। यात्रा के दौरान जम्बूसर में जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी से मुलाकात की और आगे का कार्यक्रम तय किया, क्योंकि ये तय था कि कानून तोड़ने के बाद सभी नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा। देश भर के बड़े नेता इसी तैयारी में जुटे थे कि उनके जेल जाने के बाद सत्याग्रह को कैसे जारी रखा जाएगा। पंडित नेहरू ने आत्मकथा में लिखा है कि जम्बूसर में मुलाकात के बाद गांधी जी अपने दल के साथ दांडी यात्रा के दूसरे पड़ाव के लिए पैदल चल पड़े। वो हाथ में लाठी लिए हुए अपने अनुयायियों के आगे आगे जा रहे थे। उनके कदम मजबूत थे और चेहरे पर शांति तथा निर्भयता छिटकी पड़ती थी। वो एक दिल हिला देने वाला दृश्य था। 5 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंच गए। वहां सरोजनी नायडू आदि देशभक्तों ने उनका स्वागत किया। ये निश्चय किया गया कि 6 अप्रैल को समुद्र तट पर जाकर नमक कानून तोड़ेंगे। 6 अप्रैल की तिथि इसलिए भी रखी गई कि उसी दिन से राष्ट्रीय सप्ताह भी शुरू होता था। ये राष्ट्रीय सप्ताह जलियांवाला बाग की स्मृति में मनाया जाता था। 5 अप्रैल को रात भर सत्याग्रहियों ने प्रार्थना की। 6 अप्रैल की सुबह सब लोग गांधी जी के साथ समुद्र में नहाकर समुद्र तट पर आए। गांधी जी ने सागर की लहरों द्वारा छोड़ा हुआ नमक उठाया। इस प्रकार गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के उस कानून को तोड़ दिया जिसके अनुसार सरकारी ठेके के अलावा उठाया हुआ नमक रखना गैर कानूनी था। इसके बाद तो सभी लोग नमक लेने के लिए बढ़ चले। पुलिस वहां पहले से ही मौजूद थी। उसने तुरंत लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, किंतु गांधी जी को गिरफ्तार नहीं किया गया।
उधर 6 अप्रैल को ही देश भर में अनेक स्थानों पर नमक कानून तोड़ा गया। उत्तर प्रदेश, बंगाल, बंबई, दिल्ली, बिहार में पुलिस ने आंदोलनकारियों को पीटा। कराची, पेशावर और मद्रास में तो गोली भी चलाई गई। देश के अन्य भागों में नमक सत्याग्रह जितनी तेजी से शुरू हुआ, उसके बारे में नेहरू जी का ये वाक्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई बटन दबा दिया गया और अचानक सारे देश में, शहरों में, गांव में, जिधर देखो रोज नमक बनाने की ही धूम मच गई। नमक सत्याग्रह के सिलसिले में जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल आदि अनेक बड़े नेता भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिए गए, किंतु गांधी जी को फिर भी गिरफ्तार नहीं किया गया। अब गांधी जी ने दूसरा कार्यक्रम बनाया। गुजरात में धरसना में सरकारी नमक का गोदाम था। गांधी जी ने तय किया कि इस गोदाम पर धावा बोलकर सरकारी नमक पर कब्जा कर लिया जाए, किंतु ये धावा अहिंसात्मक था। गांधी जी ने इसकी सूचना भी वायसराय को दे दी थी। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब स्थिति बिगड़ सकती है। 4 मई की रात गांधी जी सूरत जिले के कराड़ी शिविर में सो रहे थे। रात के 12:15 बजे सूरत के अंग्रेज जिला मैजिस्ट्रेट ने 30 बंदूकधारी और 2 अफसरों के साथ कराड़ी शिविर को घेर लिया। वो गांधी जी को गिरफ्तार करने आए थे। गांधी जी को जगा दिया गया। जिला मैजिस्ट्रेट ने गांधी जी के कहने पर गिरफ्तारी का आदेश पढ़कर सुनाया। चूंकि गवर्नर जनरल इन काउंसिल मोहनदास करमचंद गांधी की कार्रवाइयों को खतरनाक मानता है, इसलिए वो आदेश देता है कि उक्त मोहनदास करमचंद गांधी को 1827 रेगुलेशन 35 के तहत प्रतिबंध में रखा जाए और जब तक सरकार चाहे तब तक वो कैद में रहे, उसे तुरंत यरवदा जेल पहुंचाया जाए। गिरफ्तारी से पहले गांधी जी ने एक वक्तव्य जारी किया। उसमें कहा गया था, नमक कानून तो भंग हो चुका है, अब प्रत्येक व्यक्ति जो मुकदमे का खतरा उठा सकता हो, चाहे जहां नमक बनाने के लिए स्वतंत्र है। गांधी जी की गिरफ्तारी से नमक आंदोलन और भी जोर से भड़क उठा। भारत भर में हड़ताल हुई, बाजार और व्यापार बंद हो गए। गांधी जी के बाद धरसना पर धावा बोलने के लिए वृद्ध नेता अब्बास तैयब जी चुने गए, वो भी गिरफ्तार कर लिए गए। इसके बाद श्रीमती सरोजनी नायडू आगे बढ़ी तो वो भी गिरफ्तार कर ली गई। फिर तो जनता और पुलिस के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो गया। हर शहर और गांव में नमक सत्याग्रह हुआ। पुलिस ने जनता पर लाठियों और बंदूकों से हमला किया। कांग्रेस की कार्य समिति को सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। मोतीलाल नेहरू भी गिरफ्तार कर लिए गए। पेशावर में खान अब्दुल गफ्फार खान की संस्था अफगान यूथ लीग और उसके सदस्य खुदाई खिदमतगार कांग्रेस में शामिल हो गए। नमक आंदोलन के दौरान खुदाई खिदमतगारों पर बड़े अत्याचार हुए। लोगों को अपमानित करने के लिए उन्हें जबरदस्ती पकड़कर माफीनामे पर अंगूठा लगवाया जाता था। बहुत से वीर पठानों ने इस पर अपना अंगूठा ही काट डाला, जिससे इस जिल्लत से बच जाएं। खान अब्दुल गफ्फार खान के घर में आग लगा दी गई। उनके भाई डॉक्टर खान साहब का मकान धूल में मिला दिया गया। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में बहादुर पठानों ने सत्याग्रह की अहिंसक लड़ाई की एक ऐसी मिसाल पेश की जो इतिहास में कभी भी भूली नहीं जा सकेगी। सैकड़ों की संख्या में पठान मौत की जरा भी परवाह किए बगैर तोपों और बंदूकों की ओर बढ़ते गए और उन्हें बड़ी बेरहमी से अंग्रेजों ने भून दिया। सारे देश में अहिंसात्मक ढंग से कानून भंग करना जनता का धर्म बन गया था। ब्रिटिश सरकार की सभी जेलें भर गईं, यहाँ तक कि नई जेलें बनवानी पड़ी। लगभग 50-60 हजार लोग जेलों में बंद हो गए थे। फिर भी आंदोलन की तेजी में कोई कमी नहीं आई। बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की। मद्रास में आंदोलनकारियों को पीटा गया। बंगाल में छात्रों पर लाठियां बरसी। गुजरात में बारडोली और बोरमद में किसानों पर जुल्म हुए। उस समय सारा भारत
आंदोलन के प्रभाव की गिरफ्त में आ चुका था। वास्तव में इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी थी। इससे गांधी जी की कांग्रेस में पकड़ गहरी हो गई। उनका प्रभाव तेजी से फैलने लगा था। इसी बीच क्रांतिकारी भी अपना काम कर रहे थे। 18 अप्रैल 1930 को चटगांव के पास करीब 70 नौजवानों ने सूर्य सेन के नेतृत्व में एक साथ अनेक सरकारी प्रतिष्ठानों पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने शस्त्रागार लूट लिया। 26 जनवरी 1931 को वायसराय के आदेशानुसार गांधी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सभी सदस्यों को जेलों से रिहा कर दिया गया। मोतीलाल जी चूंकि बीमार थे, इसलिए उन्हें पहले ही छोड़ दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू जब नैनी जेल से छूटकर घर पहुंचे, तो बीमार पिता को देखकर उनके दिल को बड़ा धक्का लगा था। नेहरू जी ने लिखा है, वो एक बूढ़े शेर की तरह, जिसका शरीर बुरी तरह जख्मी हो गया हो, जिसकी ताकत शरीर से करीब करीब चली गई हो, बैठे थे। लेकिन उस हालत में भी उनकी शान तो सिंहों या राजाओं जैसी ही थी। कुछ ही दिन बाद गांधी जी मोतीलाल नेहरू जी से मिलने आए। उस समय मोतीलाल जी ने कहा था, महात्मा जी, मैं जल्दी ही चला जाने वाला हूँ। स्वराज देखने के लिए जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि आपने स्वराज जीत लिया है और जल्दी ही वो आपके हाथ में आ जाएगा। इसके कुछ ही दिन बाद यानी 6 फरवरी 1931 को मोतीलाल नेहरू का देहांत हो गया। देश का एक महान त्यागी नेता उठ गया। देश की राजनीति में उस समय नया मोड़ आया जब महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच बातचीत हुई और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर समझौता हो गया। इनमें कुछ प्रमुख बातें थीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेना, गोलमेज कॉन्फ्रेंस में वैधानिक सरकार की स्थापना पर विचार, शराब और विलायती कपड़ों की दुकानों पर धरना कानूनी हद के अंदर रहेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पकड़े गए लोग रिहा किए जाएंगे, उन पर से मुकदमे उठा लिए जाएंगे, जुर्माने माफ होंगे, गरीब लोग अपने उपयोग के लिए नमक बना सकेंगे आदि। इस समझौते पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, गांधी इरविन समझौता इस माने में बहुत महत्वपूर्ण है कि ब्रिटिश सरकार ने पहली बार जनता की प्रतिनिधि संस्था से समझौते की बातचीत के लिए प्रयत्न किया है। उधर लाहौर हत्याकांड के सिलसिले में गिरफ्तार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु पर मुकदमा चल रहा था। इसके दो दिन बाद यानी 25 मार्च को कानपुर के प्रसिद्ध पत्रकार और हिंदू मुस्लिम एकता के अनन्य उपासक गणेश शंकर विद्यार्थी की हत्या का समाचार आया। इन दोनों समाचारों से कराची में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में हो रहे कांग्रेस अधिवेशन में मातम छा गया था। कांग्रेस के इसी अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते को अनुमोदित किया गया था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन लंदन में 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक हुआ। इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी सम्मिलित हुए। अन्य नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने नामजद किया था। इनमें पंडित मदन मोहन मालवीय और श्रीमती सरोजनी नायडू भी थी। दूसरे गोलमेज सम्मेलन से बड़ी आशाएं थी और लगता था कि स्वराज्य का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन उसमें तो गांधी इरविन समझौते तक की उपेक्षा कर दी गई थी। इस सम्मेलन में गांधी जी ने भारत का पक्ष बड़ी मजबूती से रखा, किंतु अंत में इस सम्मेलन का कोई नतीजा नहीं निकला। भारत लौटने पर गांधी जी ने कहा, यह बात सच है कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, किंतु मुझे संतोष है कि जो ध्वज मुझे सौंपा गया था, मैंने उसे नीचा नहीं होने दिया और उसके सम्मान के साथ समझौता नहीं किया। हमारे वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करें। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों तो नीचे कमेंट्स में लिखें।